हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सीरीज बोर्ड से किसी भी मोटर को चेक किया जा सकता है। तो मैं इस सीलिंग पंखे को सीरीज बोर्ड की सहायता से चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, इस तरह से तार लेना है और इसे सीरीज बोर्ड में लगा देना है। इसे सीरीज बोर्ड में ही चेक करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, हमारा सीरीज बोर्ड में सप्लाई आ गया है। ये देखिए, बल्ब जल रहा है। ये देखिए, अब इसे हम पंखे के तार में लगाते हैं। तो ये देखिए, हमारा बल्ब धीमा जल रहा है। ये देखिए, बल्ब हमारा धीमा जल रहा है पंखे के तार में। और काले वाले तार में लगाते हैं, ये देखिए, इसमें भी धीमा जल रहा है और इसमें बॉडी में करेंट भी नहीं है। ये देखिए, इसमें बॉडी में बिल्कुल करेंट नहीं है और बल्ब धीमा जल रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो पंखा है ये सही है, ये पंखा जला नहीं है, ये सही है। इस तरह से बल्ब धीमा जलना चाहिए और बॉडी में करंट नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ये जो पंखा है ये सही है। अब चलिए दूसरे पंखे को आपको चेक करके दिखाता हूँ। याद रखिएगा, इसे सीरीज बोर्ड में ही चेक करना है। ये देखिए, चलिए दूसरे पंखे को चेक करते हैं। ये देखिए, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा है बल्ब। और इस वाले पॉइंट में भी नहीं जल रहा है और बॉडी में करंट भी नहीं है, लेकिन बल्ब किसी भी तार में नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पंखा है ये ख़राब हो चुका है, ये जल चुका है। तो इस तरह से आप सीरीज बोर्ड की सहायता से किसी भी मोटर को चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा मोटर है ये जला है या सही है। तो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।